अच्छा जी, द ग्रैंड सेंट्रल मॉल का ये सेकंड है। इसमें हम बेसमेंट्स, लोअर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को आज इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। द ग्रैंड सेंट्रल मॉल का टोटल, जैसे कल का इंट्रोडक्शनरी सेशन था उसमें हमने बात की कि 8 फ्लोर्स तक कमर्शियल है, देन 3 टावर्स हैं और उसमें क्या क्या आगे मज़ीद डिटेल है वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे। तो उसमें आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसमेंट्स हैं और मेगा मार्ट है और फिर लोअर ग्राउंड फ्लोर है, देन ग्राउंड फ्लोर है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले है जी बेसमेंट 2। हमारा टोटल जो 58 केनाल का रकबा है उसमें हम लोग बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। उसका जो 5 एकड़ की ये पट्टी जो लॉन्गिट्यूडनल जिसमें हमारे तीनों एट्रियम्स आ रहे हैं, उसके बेसमेंट में 2 स्टेप्स होंगे, यानी एक बेसमेंट 2 है और एक बेसमेंट 1 है जी। अच्छा, सेकंड बेसमेंट जो है कोई बात नहीं। अच्छा जी, सेकंड बेसमेंट में टोटली पार्किंग है। सेकंड बेसमेंट ऑफ TGC मॉल प्रोवाइड स्पेशियस डेडिकेटेड कार पार्किंग फॉर द शॉपिंग मॉल, 5-star होटल, ऑफिसेज एंड अपार्टमेंट्स, प्रोमाइजिंग 24/7 सर्विलियंस वाई कटिंग एज सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड आर्म सिक्योरिटी स्टाफ। दिस फ्लोर गिव्स यू ईजी एक्सेस टू द मॉल वाई कैप्सूल लिफ्ट्स एंड कार्गो लिफ्ट्स। सेकेंड बेसमेंट में जो है वो गाड़ियों की पार्किंग टोटली होगी और डेडिकेटेड पार्किंग होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास बैक साइड पर आगे चल के वो भी पिक्चर्स आ जाएंगी। बैक साइड पर हमारे पास 2 एकड़ का रकबा है जो ये बेसमेंट्स के साथ कनेक्ट होके पार्किंग का एरिया जो है वो बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी फर्स्ट बेसमेंट जो है वो भी इसी का हिस्सा है, उसमें भी कार पार्किंग है, ठीक है। और ये दोनों बेसमेंट्स मिला के तकरीबन 2000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो हमारी इसमें पार्किंग में खड़ी हो सकती हैं। टोटल अगर एरिया के एतबार से बात की जाए तो तकरीबन 15-17 एकड़ एरिया बनता है जिसमें हम अपने पूरे मॉल में जो है वो पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें फर्स्ट बेसमेंट है, सेकंड बेसमेंट है, उसकी बैक साइड वाला एरिया है और ग्राउंड फ्लोर के सामने वाला जो एरिया है तकरीबन 200 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ पे भी है। उसके बाद आ जाते हैं मेगा मॉट जो है ये हमारे फैसलाबाद का सबसे स्पेशियस और लग्जरियस होगा, मेगा मॉट होगा जो कि सारे कस्टमर्स की बेसिक नीड्स को, ग्रॉसरी नीड्स को पूरा करेगा। 1,30,000 स्क्वायर फीट पर ये मुहित होगा, ठीक है, और 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट इसका एरिया है। और जितने भी हमारे शॉपिंग करने वाले हजरात हैं वो इस मेगा मॉट से बेसिकली फैसिलिटेड होंगे। ये तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में जो 10 लाख के करीब आबादी है वो इससे मुस्तफीद होगी हमारे इस मेगा मॉट से। ये डबल हाइटिन है, बैक साइड पे मेगा मॉट, बैक साइड पे बेसमेंट्स हैं और उसके फ्रंट में जो 18 किनाल का रकबा है हमारा उसकी बेसमेंट और कुछ एरिया, ये डबल हाइटिन यानी कि ये मेगा मॉट के लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद हमारा ऊपर वाला जो फ्लोर है ये तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया राउंड अबाउट बनता है, ये लोअर ग्राउंड फ्लोर का है। लोअर ग्राउंड फ्लोर में हम सबसे पहले ये बेसमेंट्स की बात आ गई, ये वाला एरिया यहाँ से ये इतना बैक साइड वाला एरिया जो इसके साथ अटैच होगा पार्किंग की सूरत में, जो कि हमारी दूसरी बिल्डिंग में यानी कि शामिल नहीं है, ऊपर तक नहीं जाता लेकिन पार्किंग के लिए शामिल है, ठीक है जी। समझ आ रही है इस चीज़ की? एंट्रेंस जी जी, इसके साथ अटैच है, ये सिर्फ बेसमेंट्स में है। उसके बाद आ जाता है लोअर ग्राउंड फ्लोर। लोअर ग्राउंड फ्लोर में हमारे तीनों एट्रियम्स बेसिकली लोअर ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे मॉल की जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिक है वो इन एट्रियम्स के थ्रू ऊपर जाएगी, ठीक है। इसमें तकरीबन 56 एस्केलेटर्स हैं टोटल कमर्शियल मॉल के अंदर,
और 25 जो हैं वो लिफ्ट्स हैं, जिनमें हर एट्रियम में 2 कैप्सूल लिफ्ट्स हैं और टावर की एक्सेस के लिए हर टावर के लिए 6 जो लिफ्ट्स हैं वो डेडिकेटेड हैं। द फ्लोर ऑफर स्पेशियस एटम्स फॉर ईजी एक्सेस टू 8 लेवल्स ऑफ कमर्शियल पोर्शन थ्रू कैप्सूल लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। उसके बाद लॉबीज हैं जो कनेक्टेड हैं ऊपर टावर्स के लिए। लॉबीज बेसिकली इसके लिए इस तक पहुंचने का रास्ता है, यानी जहां पे जो टावर्स के साथ कनेक्ट करती हैं। वो हैं तो लोअर ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन हम लॉबीज को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टावर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर का एक बहुत स्पेशल एरिया जो कि हमारी गोल्ड ग्लोरी है, फैसलाबाद की मार्केट को देखते हुए हमने इसको स्पेशली यहाँ पर डिज़ाइन किया। ये एक सिक्योर हब है पूरी ज्वेलरी मार्केट की, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर होगा, उसके बाद पार्किंग इसके लिए डेडिकेटेड सेपरेट होगी और इसका एक ही गेट है जिससे हमारी एंट्रेंस होगी। पुट योर बार्गेन फेस ऑन एंड वॉक इन, वी आर श्योर यू विल फाइंड समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ और अ लव्ड वंस। जब आप यहाँ पे आते हो, या तो आप यहाँ पे कोई भी एक अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हो अपने किसी एक स्पेशल बंदे के लिए और अपने लिए, ठीक है। हेयर वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर द ज्वेलरी बिजनेस। तो इसमें हमारे TGC मॉल के ट्रेडिशनल चीज़ें भी आ जाएंगी और जितनी भी हमारी ज्वेलरी के रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस गोल्ड ग्लोरी के सेशन में आएंगी। तकरीबन 180 से 200 तक शॉप्स इसमें अवेलेबल हैं जो इसके लिए स्पेशली रखी गई हैं, और ये वही पोर्शन है जो मेगा मार्ट के ऊपर आ रहा है लोअर ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद इसका दूसरा जो सेशन है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि आमतौर पे जो गोल्ड की ज्वेलरी की जो शॉपिंग है वो वेडिंग के साथ ज़्यादातर मुंसलिक होती है, तो इसमें हमने बाकी सारे दूसरे फ्लोर को मैट्रिमोनियल आइटम्स के लिए डेडिकेट किया है। उसमें हमारे पास दुल्हा की ड्रेसिंग, दुल्हन की ड्रेसिंग और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वेडिंग के रिलेटेड मैट्रिमोनियल आइटम्स जो हैं वो हम इसमें ला रहे हैं, जो कि तकरीबन 400 प्लस जो है इसकी शॉप्स बनती हैं जो यहाँ पे होंगी मैट्रिमोनियल आइटम्स के लिए। तो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर। लोअर ग्राउंड फ्लोर के मैप की अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा इसके लिए आ रहा है गोल्ड ग्लोरी के लिए, ये एक स्पेशल गेट है इसके लिए, ठीक है। और जो बाकी वाला सारा पोर्शन है ये हमारा मैट्रिमोनियल आइटम्स के लिए डेडिकेटेड होगा। मेन एट्रियम हमारा 106 फिट इसका मेन कॉरिडोर है, और बाकी आइटम जो हमारे एट्रियम्स हैं वो इससे छोटे हैं। ये तकरीबन 7000 स्क्वायर फिट का एरिया है। ये इतने खुले एट्रियम रखने का मकसद एक ये भी है कि हमारे मॉल में जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो अगर कोई बिजनेस गेट टुगेदर करना चाह रही है, अगर वो कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, अगर वो अपने एनुअल डिनर्स करना चाह रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो यहाँ पे विद द परमिशन और विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर मैनेजमेंट टीम वो वहाँ पे कर सकती है, जो मॉल को ऑपरेट करने वाली टीम होगी। तो इसके लिए मेन कॉरिडोर 106 फिट है और लॉन्गिट्यूडनल कॉरिडोर जो तीनों एटम्स को मिलाता है ये तकरीबन 38 फिट वाइड है, और इसके दरमियान में तकरीबन 12 फिट का ऐसा एरिया है जो थ्रू आउट द मॉल वॉइड होगा, ठीक है। और बाकी सारा लॉबीज जो हैं वो भी इसी के अंदर होंगी। हमारे बैक साइड से रोड अप्रोच है, ड्रॉप ऑफ पॉइंट है फॉर टावर, फैमिली अपार्टमेंट टावर, ऑफिस टावर, और उस तरफ हमारी लॉबी है 5-स्टार होटल के लिए। तो ये हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर है जो कि बेसमेंट्स के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं दी ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर जो है बेसिकली किसी भी मॉल का ग्राउंड फ्लोर ब्रांड्स के लिए डेडिकेटेड होता है। तकरीबन 750 से 1500 स्क्वायर फीट तक का हमें जगह चाहिए होती है ब्रांड्स के लिए। तो यहाँ पे हमने इसीलिए ब्रांड्स को अलोकेट किया है, और जो हमारी फ्लोर की जो कटिंग है वो भी इस हिसाब से है कि कोई भी ब्रांड, छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, वो ग्राउंड फ्लोर में समा सकता है, ठीक है। इसकी एंट्रेंस जो है वो सेम एट्रियम्स के थ्रू होगी, ठीक है।
और मेन केनाल रोड से भी एक इसकी एंट्रेंस है और चार चक वाले रोड से भी ग्राउंड फ्लोर तक की एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। और बाकी ब्रांड्स जो हैं वो नेशनल ब्रांड्स भी इसमें आएंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आएंगे। जैसे कि पिछली मीटिंग में भी बात हुई कि कुछ ब्रांड्स ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एमओयू साइन कर भी लिया है, और विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह हम अपने बाकी चीज़ों को भी अनाउंस करेंगे और यहाँ पे बकायदा ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो ये ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास चार बिग रेस्टोरेंट्स भी हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप किसी भी बड़े मॉल में जाएं तो ग्राउंड फ्लोर में हमें रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, कॉफ़ी शॉप्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में चार जो हैं वो होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है। ये उसका मैप है, ठीक है। फ्रंट में इसके पार्किंग है, तकरीबन 200 गाड़ियों की पार्किंग फ्रंट में है, ठीक हो गया। उसके बाद एक साथ रैंप है जो बेसमेंट में जाता है, जो पार्किंग में जाता है। जो बंदा केनाल रोड से इसको अप्रोच करता है वो इस रोड के थ्रू इस रैंप से नीचे पार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। और अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच के वो कहीं भी अगर जाना चाहता है, जिस मर्ज़ी लेवल पे जाना चाहता है, तो वो इन लिफ्ट्स के थ्रू और एस्केलेटर्स के थ्रू वहाँ से अपनी मुतलका फ्लोर तक जा सकता है। उसके बाद इसकी सराउंडिंग में एक और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि मॉल के सराउंडिंग में तकरीबन 25 फीट वाइड का रोड पैच जो है वो घूमता है, जो कि हमारी ट्रैफिक को फ्लो देता है बेसिकली, कि हमारी ट्रैफिक किसी भी तरह से स्टक ना हो, ठीक है। और ये एक आप ये समझें कि मेन केनाल रोड से कोई बंदा यहाँ से इंटर होता है तो वो भी बैक साइड से अगर जाना चाहता है तो अगर टावर्स के रिलेटेड है तो यहाँ पर ड्रॉप ऑफ दे के गाड़ी इस रैंप के थ्रू रैंप अप होकर ग्राउंड फ्लोर से बाहर जा सकती है। और अगर कोई बंदा लिंक रोड से आता है और वो यहाँ पे आना चाहता है तो इस रोड के थ्रू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये इजी एक्सेस है व्हीकल्स के लिहाज से हमारे ग्राउंड फ्लोर तक। और ये जो कॉरिडोर है ये भी सेम एज इट इज़ 106 फीट वाइड है, ठीक है, जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट है। और इसमें हमारे पास एस्केलेटर्स भी हैं और ये मैनुअल स्टेयर्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर को लोअर ग्राउंड फ्लोर के साथ कनेक्ट करती हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल स्टेयर्स जो हैं वो तकरीबन हर 150 फिट के दायरे में मैनुअल स्टेयर्स भी हैं जो एमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये मैनुअल स्टेयर्स हैं, ये मैनुअल स्टेयर्स हैं, ये मैनुअल स्टेयर्स हैं, ठीक है, मैनुअल स्टेयर्स हैं। आगे भी ऐसे ही मैनुअल स्टेयर्स आ रही हैं। इसके अलावा हमारे हर फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के लिए भी प्रॉपर एरिया डेडिकेट किया गया है, जो कि मतलब फ्लोर को मैनेज करने के लिए ऑपरेशनल टीम के अंडर होगा और उसमें जितनी भी फ्लोर की जो ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं उनको उस लिहाज से जो है वो देखा जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। अब इसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ एक दो वीडियोज़ हैं वो भी प्ले करते हैं, तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वो बिला झिझक पूछ सकता है, प्लीज। ये हैं जी, जी चौथा उधर है, फोर इसलिए बोल रहा हूँ ये मेन पे आ रही है। जी 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 ये ये 106 फीट का मेन कॉरिडोर है, 106 फीट वाइड है ये, यहाँ से 40 फीट है। सर हम फ्रंट की पार्किंग और साइड का जो ड्राइव थ्रू सर्टिफिकेट उसको बचा के बाकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है क्या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने स्क्वायर फीट है? फ्रंट की पार्किंग और निकाल के साइड पर ड्राइव थ्रू का पैच है जो जी उसके अलावा जी तो 130 फीट तक लेके जाएंगे जो बिल्डिंग। एक फ्लोर की ना, हर फ्लोर का जो स्क्वायर फीट में आप एरिया बात कर रहे हैं ना, हर फ्लोर का स्क्वायर फीट एरिया एक्चुअली डिफरेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 180,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो आप करें ईच फ्लोर अप्रोक्सीमेटली। जी जी और ये जो छोटा सा एट्रियम नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये एट्रियम नहीं है, ये बेसिकली स्टेयर्स हैं, मैनुअल स्टेयर्स। अभी आपने इसका कुछ हिस्सा बिल्डिंग में बन भी गया है,
जिस जगह पे मेन एट्रियम आना है उसके बिल्कुल बैक साइड पे अगर आप वहाँ जाके देखें तो ऐसे करके स्टील बार्स निकली हुई हैं। बेसिकली वो स्टील बार्स जो हैं वो कनेक्ट होंगी लोअर ग्राउंड फ्लोर के साथ, वहाँ पे बेसिकली स्टेयर्स बननी है। तो ये वही पोर्शन है क्योंकि हमारा ये वाला ब्लॉक यहाँ तक बन चुका है। ये हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो है कंस्ट्रक्शन वाइज अगर बात करें तो ये दोनों फेसेस बन चुके हैं और अभी हम लोग ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में काम कर रहे हैं और वेरी नियर फ्यूचर हम लोग ब्लॉक ई में भी आ जाएंगे जहाँ पे हमारे ऑफिस हैं और डिगिंग आगे तक चली जाएगी। सर ये ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन 3 लाख प्लस स्क्वायर फीट एरिया बने, 5,445 स्क्वायर फीट एक एकड़ में, तो हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है 58 कनाल है, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख प्लस आता है, 25 फीट और एक्चुअली बताऊं कि मैं इसलिए ये बात की है कि ये बहुत बारीक बीनी वाली बातें तब होती हैं जब कोई क्लाइंट इस लेवल का इंटरेस्टेड हो। कल मैंने एक बात की थी कि सवाल दो तरह के होते हैं, तो एक सवाल होता है जो बंदा इसलिए पूछता है कि आई वॉन्ट टू कंपेयर माई सेल्फ विद सामने वाला बंदा कि जी वो कहता मैं वड्डा, वो कहता मैं वड्डा, मैं सवाल ज़रा इस तरह पूछता कि ज़रा नीचे दिखा दूँगा। एक सवाल होता है ये, एक सवाल जो पूछा जाता है वो होता है लर्निंग का कि मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो इन दोनों की डिफ्रेंसीशन वो बंदा कर सकता है जो BNLP को जानता हो, मैं तो ये समझता हूँ, जिसको ये पता हो कि ये जो आई बॉल मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है। आई बॉल मूवमेंट्स के भी मीनिंग्स हैं, 6 मीनिंग्स हैं। तो खैर ये एक अलहदा लाइन या अलहदा वो स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो ये भाई कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एरिया क्यों डिफरेंट डिफरेंट है, सेलेबल एरिया इसका ज़्यादा आपको लगेगा, ठीक है। जब आप थर्ड फ्लोर पे जाते हो तो थर्ड फ्लोर का एरिया क्या बताया गया, 1,84,000 स्क्वायर फिट है, क्योंकि थर्ड फ्लोर में हम थर्ड फ्लोर को कह रहे हैं थर्ड फ्लोर इज़ ए सिंगल यूनिट, इसलिए हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। और मार्केट में हम जो शेयर्स बेच रहे हैं वो भी हम अभी तक, यानी अगर किसी को पता हो पुरानी मीटिंग में ये बात हुई थी कि 90,000 स्क्वायर फीट तक हम लोग मार्केट में शेयर करेंगे और वो उसके दूसरे स्टेप में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हर फ्लोर का डिफरेंट है, ये जो आप टोटल स्क्वायर फीट एरिया बात कर रहे हैं ये हर फ्लोर का डिफरेंट है। जी यूजेबल एरिया इसको वर्ड मेरा ख्याल ज़्यादा सही रहेगा, सेलेबल इसमें ये हम निकाल देंगे तो ये मज़ीद हमें कम लगना शुरू हो जाएगा, जो कॉमन जिसको हम कैम बोलते हैं वो चीज़ मज़ीद उसमें कम हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों एक भाई साहब ने सवाल पूछा था कि सर्विस चार्जेस क्या होंगे और उसने 20 बंदों से पूछा और जवाब एक ही आया, क्योंकि भाई उसका वक्त से पहले जवाब दिया ही नहीं जा सकता। लेट्स प्ले द वीडियो।